अच्छे मित्रों, आज हम कंप्यूटर के पहले पाठ मल्टीमीडिया का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पाठ जो मल्टीमीडिया का परिचय है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम संचार क्या है, संचार अर्थात कम्युनिकेशन, संचार किसे कहते हैं, तो इसकी एक बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा है कि स्थलांतर किए बिना हम एक जगह से दूसरी जगह तक माहिती या विचारों का आदान प्रदान कर सकें, इस प्रक्रिया को संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये मनुष्य जीवन का अभिन्न भाग है। हम अपने जनरल सामान्य व्यवहार में संचार का उपयोग हमेशा ही करते रहते हैं और उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं, बोलकर भी, लिखकर भी, संकेतों के द्वारा अर्थात इशारों के माध्यम से जो हम प्रक्रियाएं करते हैं वो संचार के ही स्वरूप हैं। विद्यार्थी मित्रों, संचार ये मनुष्य जीवन का अभिन्न भाग है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस संचार की प्रक्रिया के माध्यम कौन कौन से हैं। तो संचार के माध्यम में है, पहला है रेडियो, जिससे हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम सुनते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरा समाचार पत्र, जिसके अध्ययन से, इसके वाचन से भी हमें देश विदेश की तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। टेलीविज़न, थिएटर, मूवी, फिल्म और इंटरनेट, ये संचार के जो माध्यम हैं, इनसे हम मनोरंजन के साथ साथ सीखते भी हैं, कई प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं और विचारों का या माहिती का आदान प्रदान भी होता है। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ संचार क्या है और संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। अब अगला प्रश्न आता है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया अर्थात क्या? तो मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? एक है मल्टीपल और दूसरा है मीडिया। मल्टीपल का तात्पर्य होता है एक से अधिक, और मीडिया का तात्पर्य होता है माध्यम, अर्थात एक से अधिक माध्यम। तो परिभाषा के तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि संचार के लिए एक से अधिक माध्यमों का उपयोग अर्थात मल्टीमीडिया। कि मैंने मतलब मल्टीमीडिया के अंतर्गत एक से अधिक कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग होता है। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया अर्थात लेख, अर्थात टेक्स्ट, ध्वनि, आवाज, चित्र, ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन जैसे विविध माध्यमों का एकत्रीकरण अर्थात मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंतर्गत ये सब होते हैं, लेख भी होता है, ध्वनि मतलब आवाज़ भी होती है, चित्र ग्राफिक्स भी होते हैं, वीडियो और एनिमेशन जैसे अनेक प्रकार के माध्यमों का समावेश मल्टीमीडिया में किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब यह प्रश्न बनता है कि मल्टीमीडिया के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, कितने घटक हैं। तो पहला घटक है मल्टीमीडिया का लेख, जिसको हम टेक्स्ट कहते हैं। अब लेख क्या है, टेक्स्ट क्या है? तो किसी भी विषय की प्रस्तुति के लिए उसमें लेख मिलाने की क्रिया ये मल्टीमीडिया का आधार स्वरूप कदम है। लेख के बिना तो सब अधूरा है, टेक्स्ट के बिना सब अधूरा है। तो लेख के स्वरूप कौन कौन से हैं? लेख के तीन स्वरूप हैं, एक है शब्द, लाइन और पैराग्राफ। इस रूप में लेख होता है, एक अक्षर के रूप में भी होता है, एक लाइन के रूप में होता है और एक पैराग्राफ के रूप में भी लेख का स्वरूप होता है। अब इसमें जिन फ़ॉन्टों का उपयोग होता है उसमें है टाइप फेस क्या है। टाइप फेस अर्थात क्या? टाइप फेस अर्थात एक समान प्रदर्शन वाले या एक समान दिखाव वाले अक्षरों का समूह जो है टाइप फेस कहलाता है। टाइप फेस के दो प्रकार हैं, एक है सेरिफ और दूसरा है सांस सेरिफ। सेरिफ कौन कौन सा है? सेरिफ ये है जिसके माथे पर, जिसके शीर्षक पर सुशोभन किया गया होता है, आगे आकृति दी गई है, सुशोभन किए गए अक्षर जो हैं वो सेरिफ फ़ॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। और सांस सेरिफ मतलब यस ए यानी सांस मतलब बिना सुशोभन, बिना के फ़ॉन्ट, जिनमें किसी प्रकार का कोई सुशोभन नहीं होता है, बिल्कुल सामान्य वर्ड, सामान्य अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, वो फ़ॉन्ट है सांस सेरिफ। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये क्या है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है
ये मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम मल्टीमीडिया प्रस्तुति तैयार करते हैं। अब इसमें किसका उपयोग होता है? फोंटवर्क का। फोंटवर्क मतलब कि लेख को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एक विशेष प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है जिसको हम फोंटवर्क कहते हैं। फोंटवर्क गैलरी की ओपन ऑफिस इम्प्रेस के ड्राइंग टूल बार पर आया हुआ आइकन जिसमें कैपिटल ए लिखा रहता है वर्गाकार स्वरूप में, जिस पर हम क्लिक करके फोंटवर्क गैलरी देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और फोंटवर्क में जो लेख हम उसमें लिखते हैं उसमें अगर हमें कोई सुधार करना है, सुधार करने के लिए ESC मतलब एस्केप की का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, दूसरा स्वरूप है ध्वनि, ऑडियो। मल्टीमीडिया का ये महत्वपूर्ण घटक है। जैसे आवाज़ के बिना तो मल्टीमीडिया बिल्कुल शून्य है। जैसे आप TV प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई वीडियो आ रहा है, कोई सीरियल आ रहा है, सीरियल दिखाई पड़े और उसमें आवाज़ न सुनाई पड़े तो बिल्कुल कंटाला लगता है उसको देखने में। तो ये जो आवाज़ है, साउंड है, ये आवाज़ का एनालॉग स्वरूप है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ध्वनि अर्थात क्या, ऑडियो अर्थात क्या? तो किसी भी भाषा की अर्थपूर्ण बोली, जिसको हम स्पीच बोलते हैं, किसी भी भाषा की अर्थपूर्ण बोली उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ऑडियो ये आवाज़ का डिजिटल स्वरूप है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साउंड जो है वो आवाज़ का एनालॉग स्वरूप है और ऑडियो ये आवाज़ का डिजिटल स्वरूप है। अब मल्टीमीडिया में ये साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए साउंड रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है। साउंड रिकॉर्डर ये उबंटू लिनक्स द्वारा उपलब्ध एक ध्वनि मुद्रण करने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम में ध्वनि को मुद्रित करने के लिए कंप्यूटर के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि अगर हमें कोई चीज़ रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर के साथ में किन किन चीज़ों का जुड़ा होना आवश्यक है। तो एक है माइक्रोफोन और दूसरा है स्पीकर। तो माइक्रोफोन और स्पीकर का उपयोग करके हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके आदेश कौन से हैं, कमांड? तो एप्लीकेशन मेनू उसमें साउंड और वीडियो, और फिर उसमें साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम का उपयोग करके हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये जो ध्वनि फाइल होती है, ऑडियो फाइल, इसमें कौन कौन से हम संभावित परिवर्तन कर सकते हैं? जैसे रिकॉर्ड की गई कोई भी आवाज़ है, उसका कोई भी भाग दूर करना है तो उसको दूर कर सकते हैं एडिट करके। ध्वनि की तीव्रता कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ध्वनि बजने की गति, किस स्पीड में बज रहा है, उसकी गति क्या है, उसमें हम परिवर्तन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ध्वनि में इको मिला सकते हैं। इको अर्थात जैसे अपनी आवाज़, एक ही आवाज़ जो है दो बार सुनाई पड़ती है, तीन बार सुनाई पड़ती है, तो ध्वनि में इको मिला सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो ध्वनि फाइल में इस प्रकार के हम संभावित परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई भाग दूर करना है, ध्वनि की तीव्रता बदलना है, ध्वनि बजने की गति बदलना है और ध्वनि में इको मिलाना है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, हम मीडिया फाइल के बारे में चर्चा करेंगे कि मीडिया फाइल क्या होती है, किसे कहते हैं? कि ध्वनि एवं वीडियो जैसे मल्टीमीडिया घटकों का संग्रह करने वाली फाइल क्या कहलाती है? मीडिया फाइल कहलाती है। जिस फाइल में ध्वनि और वीडियो जैसे घटकों का संग्रह किया जाए वो है मीडिया फाइल। अब मीडिया फाइल के प्रकार कई प्रकार हैं और उनके अनुलंबन, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे है, पहला है मीडिया फाइल। तो मीडिया फाइल का एक्सटेंशन होता है .mid/.midi। दूसरा प्रकार है रियल ऑडियो फाइल, जिसको हम .ram के नाम से, शॉर्ट नेम से जानते हैं। तीसरा प्रकार है वेब फाइल, जिसका एक्सटेंशन है .wav। चौथा प्रकार है विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल .wma। और अगला है MP3 ऑडियो फाइल। जैसे अभी आप कोई प्रोग्राम कोई रिकॉर्ड करके कोई गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, वो कौन सा स्वरूप है? .mp3 या .mpg। तो ये हुए मल्टीमीडिया के प्रकार और उनके एक्सटेंशन। इसके बाद की चर्चा दूसरे पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।